नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जनता टीवी पर। मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। सियासत में महत्वाकांक्षाएं क्या कुछ नहीं करवा लेती हैं, यहां अपना पराया कोई नहीं होता, या यूं कहें कि हो ही नहीं सकता कोई गलत हो। फिर ये तो कांग्रेस है, यहां तो बाहर वालों से ज्यादा अपनों को निपटाने की परंपरा है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा शनिवार को दिल्ली पहुंची थी, लेकिन हुडा खेमे के 19 विधायक तो 3 दिन पहले यहां घूम कर जा चुके हैं। तो वहीं अब मतलब आज हुड्डा गुट के विधायक फिर दिल्ली में केसी वेणुगोपाल से मिलने पहुंचे, तो ठीक विधायकों से पहले किरण चौधरी केसी वेणुगोपाल से मुलाकात करने पहुंच गए। मतलब सारा झगड़ा कांग्रेस में चौधर का है। तो बादली से कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स ने कहा कि संगठन को लेकर मंथन हुआ और कांग्रेस मजबूत है। ये पार्टी की बातें हैं, संगठन के चुनाव हैं, म्युनिसिपल कमेटी के चुनाव हैं और हमारे पंचायत चुनाव हैं, कई चीज़ों में मुद्दों पर डिस्कस है। लेकिन इस तरीके से कहा जा रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी जो है बातें कहीं ना कहीं चल रही है, आप भी हुड्डा गुट? ऐसा कुछ नहीं, कोई गुट नहीं है, सब कांग्रेस के, और कांग्रेस का मजबूत करने के लिए सारे साथी एक। तो वही कांग्रेस के दिग्गज नेता किरण चौधरी ने कांग्रेस के उन 19 विधायकों से पहले केसी वेणुगोपाल से मुलाकात कर कुमारी सैलजा की तरह नहले पे दहला थोक डाला और जनता टीवी से खास बातचीत में यह साफ संकेत दिया कि मैं उन विधायकों के साथ नहीं हूं। किरण चौधरी जी हमारे साथ मौजूद है। मैम, आज आपकी केसी वेणुगोपाल जी से बातचीत हुई, पहले तो यही जानना चाहेंगे किन मसलों को लेकर चर्चा? देखिए, वेणुगोपाल जी हमारे सीनियर वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, और टाइम पे टाइम मैं मिलती रहती हूँ, क्यों हमारे स्टेट में क्या हो रहा है, क्या सारा कुछ है, उनको अप्राइज करते रहते हैं। तो ये तो हमारा सिलसिलेवार जो है मीटिंग्स हैं, वो उस सिलसिले में मैंने मीटिंग करी है। लेकिन जिस तरीके का घटनाक्रम पूरा चल रहा है वो कहीं ना कहीं ये जो है बता रहा है कि अलग अलग जो विधायक हैं, अलग अलग जो गुट है, वो लगातार मुलाकातें कर रहे हैं। पहले शैलजा जी ने मुलाकात की, आज जो है 19 के करीब विधायक जो अभी पहुँचने वाले हैं यहाँ पे। अब मुझे इस चीज का तो पता नहीं भैया, मैं तो हूं नहीं उनमें, तो मेरे से क्यों पूछ रहे हो? तो किरण चौधरी का यह साफ तौर पर कहना था कि यह सिर्फ सामान्य मुलाकात है। विस्तार से चर्चा करेंगे इस पूरे मुद्दे पर। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ वंदना पोपली जुड़ी हुई हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ संजीव भारद्वाज हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। हमारे साथ संदीप गोयल जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं इनोलो के, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी संदीप जी। सवाल सबसे पहले मैं संजीव भारद्वाज जी आप ही से पूछना चाहूंगा। किरण चौधरी ने स्पष्ट तरीके से कह दिया कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक है, ये महज सामान्य मुलाकात केसी वेणुगोपाल से थी। जितना सामान्य वो कह रही थी उतना सामान्य कुछ लग नहीं रहा है। मैं आपसे मिश्रा जी आपसे पूछना चाहूंगा, आपके पास ऐसी कौन सी रिपोर्ट है जिससे आपको हमारी सिर्फ मात्र विचारों की आदान प्रदान भी आपको हमारी लड़ाई लग रही है? आपको ये कैसे आभास हो रहा है कि हम लड़ रहे हैं या कांग्रेसी कोई नेता? हरियाणा में कितने विधायक हैं सर? नेता से लड़ाई के कितने विधायक हैं प्रदेश में? हाँ जी, कांग्रेस के कितने विधायक हैं प्रदेश में सर? 31 विधायक हैं। और आज कितने की बैठक हुई थी? आज 5 की हुई है सिर्फ। और उसके बाद जिस तरह से केसी वेणुगोपाल से मुलाकात करना, कांग्रेस पार्टी है, जब भी किसी को वक्त मिलता है मिश्रा जी, वो अपने शीर्ष नेतृत्व से मिल सकता है, लेकिन ये हमें एक बड़ी दुख से कहनी पड़ती है ये बात कि भाई हम अपने शीर्ष नेताओं से मिलते हैं तो जो सत्तारूढ़ दल है उसको पेश करता है पब्लिक के सामने कि हमारी लड़ाई हो रही है। ये अपनी उपलब्धियों की तरफ ध्यान देना, जो जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उस तरफ ध्यान दें। हमारे शीर्ष नेताओं से मिलने में भी ये लड़ाई बताते हैं। आप मुझे बताएं कि इनके पास या आपके पास कौन सी ऐसी रिपोर्ट है कि भाई वहां हम लोग खिलाफ मिले हैं? वंदना पोपली जी से मैं चाहूंगा ये जवाब दें। वंदना पोपली जी, संजीव कह रहे हैं ऑल इज वेल, सब कुछ बहुत अच्छा है हरियाणा कांग्रेस के अंदर, ये मुलाकातें सिर्फ और सिर्फ शीर्ष नेतृत्व से महज औपचारिकताएं हैं। संजीव भारद्वाज जी यहाँ पर बैठे हुए हैं और वो बहुत ज्यादा आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा ने कहा, भाजपा ने वो कहा, लेकिन मुझे लगता है कि न्यूज़पेपर लगातार भरे हुए हैं और जो मीडिया में रिपोर्ट चल रही है उसका जवाब तो इन्हें कोई देना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी तो नहीं देगी ना। आपकी नेता है कुमारी सैलजा जी, उन्होंने क्या कहा कि मेरी रगों में
कांग्रेसी खून हो सकता है कुछ लोगों के रगों में कम खून हो, ये स्टेटमेंट देने की क्या आवश्यकता पड़ी। मैं एक देख रही थी कि पत्रकार ने बड़ा अच्छा इस पर रिपोर्ट भी लिखी थी और उन्होंने एक शेयर के माध्यम से इसको बताने की कोशिश की थी कि रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं घायल, जब आंख से ही ना टपका तो फिर लहू क्या है। तो ये पहले तो जनता का लहू निकाल चुके हैं, कार्यकर्ताओं का निकाल चुके हैं, अब आ रही है आपस नेताओं की। तो लगातार इनकी जो लड़ाई चल रही है वो कहीं ना कहीं शीर्ष पद के लिए है कि पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कहते थे सीएलपी लीडर बनाओ, सीएलपी लीडर बनाओ, अब वो कहते हैं प्रदेश अध्यक्ष बनाओ। पहले एक दलित नेता था, अभी भी एक दलित नेत्री है, उनको क्या प्रॉब्लम है वो बेहतर जानते हैं कि दलित नेताओं से इनको क्या प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ पर बार बार ये कहा जाता है कि भूपेंद्र हुड्डा जी या दीपेंद्र हुड्डा जी को अध्यक्ष बना जाए। आप कहते कहां उससे रिपोर्ट आई, आज गए ना वेणुगोपाल जी से मिलने के लिए, उन्होंने क्या कहा कि हमारे घर की बाहर बात है, हम बाहर नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी उन्होंने क्या बोल दिया, उन्होंने ये कह दिया कि हुड्डा जी मास लीडर है, उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। दो महीने बस उसके कि हुड्डा अगर मास लीडर है उनको इग्नोर नहीं किया जाता तो मायने दो ही है, शैलजा कमजोर, हुड्डा इग्नोर, इसका और तो कोई मतलब नहीं है ना। हुड्डा मास लीडर है यानी कि शैलजा कमजोर है और उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता तो यानी कि हुड्डा जी को इग्नोर किया जा रहा है। संजीव जी के पास मैं जाना चाहूंगा, वंदना जी मैं संजीव जी के पास आना जाना चाहूंगा, संदीप जी फिर मैं आपके पास आऊंगा। मास लीडर है हुड्डा और कांग्रेस का खून जो है वो किसकी रगों में कम है किसकी रगों में ज्यादा है, इन जैसे बयानों की जरूरत क्यों पड़ती है अगर सब कुछ ठीक है तो। मैं आपको बताऊं आज संदीप जी लौटूंगा आपके पास, संजीव जी से एक रिएक्शन ले लूं फिर संजीव जी पूरा करिएगा। वैभव जी मैं आपको बताऊं आपके माध्यम से आपके श्रोताओं को आपके टीवी चैनल के श्रोताओं को बताऊं और अपनी साथी प्रवक्ता वंदना जी को भी बताऊं कि हम लोग इसमें क्या दो राय है कि हुड्डा जी मास लीडर है, ये तो सारा प्रदेश जानता है। एक बार कई बार क्वेश्चंस ऐसे होते हैं आपके, कोई प्रिंट मीडिया है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है कोई चीज अपने आप लिखते रहे, लेकिन मैं बताता हूं कि किसी कांग्रेसी ने चाहे वो मिला है चाहे नहीं मिला, किसी ने कहीं भी जाके किसी प्रिंट मीडिया में किसी सत्तारूढ़ दल के किसी लीडर को किसी भी व्यक्ति को ये कहा है क्या हमारी लड़ाई यार मैं इसलिए मिल रहा हूं यहां? ये रोज मैं ये सिर्फ मात्र ध्यान भटकाने के लिए ये बातें हो रही है, अदरवाइज जो रोज महंगाई बढ़ रही है जो अच्छा संजीव जी कुलदीप कुलदीप वत्स दे रहे हैं, कुलदीप वत्स जी से बातचीत की गई, जनता टीवी ने बातचीत की कुलदीप वत्स से, उन्होंने कहा कोई गुटबाजी नहीं है। किरण चौधरी ने कहा सामान्य मुलाकात है, लेकिन मुलाकातों का यह सिलसिला दिल्ली के अंदर जिस तरह से पिछले एक हफ्ते से चल रहा है ये कुछ ना कुछ तो जरूर कहता है और आपकी मुस्कान के पीछे वो चीजें शायद आप छुपा रहे हैं, बताना नहीं चाह रहे हैं। वैभव जी मैं एक मिनट के लिए मान लेता हूँ कोई बात है, एक मिनट के लिए पर्सनल कोई बात है क्या, कोई बात जैसे आप कह रहे हैं मान लो अबल में तो कोई हजारों किलोमीटर तक कोई ऐसी बात नहीं है ना किसी ने कही, सामान्य मुलाकात है अपने सामान्य मुलाकात है से मिलने की। लेकिन आपके अगर कोई बात संजीव जी लौटूंगा आपके पास, संदीप गोयल जी हमारे साथ जुड़े हुए नेलू प्रवक्ता हैं, डिस्कस करने का कौन सा मुद्दा है। संदीप जी सामान्य मुलाकातें और कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक है, आपको क्या कहना है, आपको क्या लगता है कि वाकई संजीव जी की जो ये मुस्कुराहट है ये वास्तविकता वाली है? संदीप जी को सुन लेते हैं फिर, मिश्रा जी प्रदेश के अंदर 10 मुख्यमंत्री बने हैं जिसमें 5 मुख्यमंत्री कांग्रेस के आज तक बने, और आप देखिए कि अपनी अति महत्वाकांक्षा में कि अपनी आने वाली पीढ़ी अपनी औलादों को राजनीति में एडजस्ट करने के लिए 4 मुख्यमंत्रियों ने अलग हरियाणा के अंदर अलग पार्टी बनाई कांग्रेस को तोड़कर, उसमें चाहे सबसे पहले पंडित भगवत दयाल शर्मा जी आए, फिर बनारसी दास गुप्ता जी आए, फिर चौधरी बंसीलाल जी आए, फिर चौधरी भजनलाल जी आए, और बाई चांस जो नई पार्टी बनाने वाले नेता है उनका नाम भी शुरू बी से ही होता है। तो मुझे लगता है कि अपने बेटों को राजनीति में स्टेब्लिश करने के लिए कांग्रेस पार्टी में एक और विघटन नजदीक दिखाई दे रहा है जैसे हम सोच रहे हैं, लेकिन ये इनका अंदरूनी मामला है। बड़ी दुखद बात यह है
जी आज हाँ किसान ने, मजदूर ने, युवा ने, बेरोजगार ने, दलितों ने, पिछड़ों ने कांग्रेस के 31 विधायक बनाकर सदन के अंदर भेजे थे। आज वो कांग्रेस पार्टी उनके हकों की लड़ाई न लड़कर केवल अपने चौधराज की लड़ाई लड़ती हुई नजर आ रही है कि प्रदेश के अंदर इतने बड़े आंदोलन चल रहे, कहीं पर भी किसी भी एक विधायक की भागीदारी किसान आंदोलन में नहीं रही, ना ही उनकी आवाज उठाने में विधानसभा में रही। ये तो बड़ा आरोप लगाया है संदीप जी ने आप पर। एक दलित नेता और दलित नेता को नीचा दिखाने के लिए, उसको राजनीतिक हकों को कमी लाने के लिए एक चौधरी की लड़ाई दिखाई जा रही, जैसा कि विगत वर्षों में अशोक तंवर को दिल्ली की सड़कों के ऊपर पीटा गया था, चौधराज का ही एक परिणाम था आज, और उसी चौधराज की नशे में आज शायद शैलजा को ऊपर हमला किया जा रहा है। एक मैं अति महत्वाकांक्षा भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कहूंगा, और एक बड़ी विचित्र बात है, 31 विधायकों में से 21 विधायकों ने पहले अपने पक्ष में बात कही, फिर बाद में फिर 9 विधायक, सुनने में आया कि 9 विधायकों ने अलग पार्टी बनाने में हामी भरी है, परंतु मुझे लगता है कि जब जब भूपेंद्र हुड्डा नजदीक जाएंगे नई पार्टी बनाने में, तो मात्र कहीं चौधरी भजनलाल के समय में जब हरियाणा जन इस पार्टी बनी थी तो मात्र दो विधायक उनके साथ रह गए थे, कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ भी वही असर ना हो जाए कि मात्र दो विधायकों के साथ एक अलग पार्टी बनाते हुए दिखाई दे। रही बात मास लीडर की जो कह रहे थे, मास लीडर का तो बहन शायद लोकसभा के चुनाव में इनका लिख चुका, रोहतक और सोनीपत में बाप बेटा की जोड़ी को पूरी तरह की हार खानी पड़ी, और ये परिणाम है क्योंकि ये केवल एक ड्राइंग रूम की राजनीति करने वाले लोग हैं, किसान के हकों के लिए फ्रंट संदीप जी, संदीप जी रिएक्शन ले लूं, रिएक्शन संजीव जी से ले लूं। संजीव जी, 31 विधायक, जनता ने जनाधार, तगड़ा जनाधार दिया आपकी पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को हरियाणा चुनाव में। उम्मीदें हैं जनता को कांग्रेस से कि वो उनके हक की आवाज उठाएगी, लेकिन इस तरह से अंदर खाने अगर स्थितियां गड़बड़ होंगी तो सर सवाल तो वो आम आदमी भी पूछेगा ना, आपका वोटर भी पूछेगा ना कि हमारे हक में कब लड़ेंगे। वैभव जी, मैं आपके माध्यम से अपने भाई संदीप जी को बताऊं, गोयल जी को जी, कि वो कांग्रेस के बारे में डिस्कशन करने से पहले अपनी पार्टी की, उसके कितने टुकड़े हुए, क्या हुए, मैं उन बातों में बड़ा निम्र निवेदन करता हूं, मैं नहीं जाऊंगा। वो अपने घर को संभाल ले, कांग्रेस की चिंता ना करे। जहां तक कांग्रेस का मुख्य विपक्षी पार्टी होने के नाते जो फर्ज है, वो हमारा कोई कार्यकर्ता, कोई नेता, कोई शीर्ष नेता नहीं भूला है, और वो मर्यादाओं के बीच में, अपनी सीमाओं के बीच में रह के बड़े बेखूबी लोगों के साथ खड़े हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं, और लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं। वो बात दूसरी है कि सत्ता आती जाती रहती है, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब एक इतने 100 साल से ऊपर की पार्टी है और आजादी में भी अपने प्राणों की आहुति इस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दी है, हर राज्यों में हाशिए पर जाने लगेगी, वही पार्टी हर राज्यों में शून्य का आंकड़ा छूने लगेगी, निवेदन करते हैं तो वजह तो कुछ ना कुछ होगी ना संजीव जी, वजह कुछ ना कुछ तो होगी ना। जो पश्चिम बंगाल में शून्य का आंकड़ा, दिल्ली के विधानसभा चुनाव में शून्य का आंकड़ा, हरियाणा के अंदर शानदार प्रदर्शन कांग्रेस का, पंजाब के अंदर सरकार, पंजाब में कैप्टन अमरिंदर और सिद्धू किस तरह से दिल्ली का दौरा कर रहे हैं पिछले 2-3 हफ्ते से, हरियाणा के अंदर आपकी स्थितियां बहुत अच्छी हैं, उसके बाद हरियाणा के अंदर क्या कुछ है पूरा प्रदेश देख रहा है, तो सोच विचार तो करना चाहिए ना संजीव जी आपको। वैभव जी ये जो डिबेट है, ये एक किसी भी पार्टी का, आज आप देखें 3 महीने के अंदर 3 मुख्यमंत्री बदल दिए उत्तराखंड में, बीजेपी ने, सत्तारूढ़ दल ने 3 महीने में 3 मुख्यमंत्री बदल दिए। वो सवाल भी बीजेपी से पूछा जा चुका है संजीव जी, वो सवाल बीजेपी से पूछा जा चुका है कि 3 मुख्यमंत्रियों को बदलने की वजह क्या थी। वैभव जी, जो चीज डिस्कशन की नहीं है, आज के दिन जो जनता के साथ उत्पीड़न सत्तारूढ़ दल कर रहा है, चाहे वो केंद्र में है चाहे वो प्रदेश में, हमें उसका डिस्कशन करना चाहिए। कोई नेता उत्पीड़न पर रिएक्शन वंदना जी से मिलेंगे, क्या डिस्कशन, वंदना जी उत्पीड़न का आरोप लगाया है भारतीय जनता पार्टी पर, किसने आरोप लगाया है? कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे संजीव जी। देखिए संजीव जी बड़े भाई हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से सब चीजों को ठीक बताने की, लेकिन क्या कहते हैं, कई बार जो इमारत में टूट फूट हो जाए ना, तो उसकी लिपाई कर दी जाती है, उसको ठीक कर दिया जाता है, लेकिन खंडर की लिपाई कैसे करेंगे? आप यहाँ को बोल रहे थे कि हम लोग दिल्ली जाते हैं तो खबर इस तरह से फैल जाती है। मैं कहती हूँ मेरी पार्टी के मुख्यमंत्री, मेरी सरकार, हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री, अगर वो दिल्ली जाते हैं तो शोर मच जाता है कि सरकार में विस्तार हो रहा है, मंत्रिमंडल में
प्रसार हो रहा है, आपके विधायक और आपके नेता अगर दिल्ली में जाते हैं तो झगड़े की खबरें आने लग जाती हैं, तो उसमें आपको स्वयं सोचना पड़ेगा कि कहां पर क्या प्रॉब्लम है। अभी आप मुझे एक बात बता दीजिए, आप कह रहे थे ना कि हुड्डा जी मास लीडर है, तो आपको क्या लगता है कि उनको प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहिए? मुझे इस प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा कि अगर वो मास लीडर है तो उनको क्या बनना चाहिए प्रदेश अध्यक्ष? संजीव जी जवाब देना चाह रहे हैं वंदना जी, व्यक्ति पूजन, संजीव जी जवाब देना चाह रहे हैं, मैं बात करूँ तो जरूर जवाब दें। व्यक्ति पूजन है आपकी पार्टी में, अगर आप कांग्रेस पार्टी की नेशनल इकाई की बात करें तो माँ बेटा की ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, यहाँ पर बाप को बेटा चाहे हम भी कंपनी बना लें, और कुछ नहीं है इनको, ना जनता से लेना देना कुछ, ना इनको कार्यकर्ताओं से लेना देना कुछ, इनको सिर्फ अपने पद की होड़ है। सही है कि एसी में बैठे रहते हैं, एसी से निकल कर आएंगे शोर मचाएंगे, अपनी पोस्ट की शोर मचाएंगे, वापस जाके बैठ जाएंगे, इनको किसी से कुछ मतलब नहीं है। मैं इतना सिर्फ कहना चाहती हूँ, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ लोगों के लिए सोचती है। आप यहाँ बोल रहे ना तीन मुख्यमंत्री बदल दिए, दो तीसरे हैं ये, और अगर जनता के लिए कुछ अच्छा करने की जरूरत होगी तो करेंगे, लड़ भेड़ कर नहीं बदले आपकी तरह कि आप लड़ाई नहीं, उत्तराखंड पे मत जाइए वंदना जी, उत्तराखंड पे मत जाइए वरना कई सवाल खड़े हो जाएंगे आपके ऊपर भी। इतना बता दीजिए, आप तो बोल रहे हैं क्या कर दिया, क्या यहाँ पर क्या कर दिया, वहाँ पर क्या कर दिया, हरियाणा में अभी आपके मुख्यमंत्री के कैंडिडेट कौन होंगे और आपके प्रधानमंत्री के कैंडिडेट कौन होंगे, अगर हिम्मत है तो वो भी बता दीजिए। संजीव जी जवाब दीजिए। वैभव जी, मैं अपने साथी प्रवक्ता वंदना जी की एक एक करके बात का जवाब देता हूँ। पहले तो मैंने हुड्डा साहब के बारे में उस पर्सन का जवाब दिया है जिसमें आपने कहा कि केसी वेणुगोपालन जी ने कहा कि वो मास लीडर हैं, तो मैंने कहा केसी वेणुगोपालन जी ने कोई गलत बात नहीं कही। दूसरी बात, मेरी साथी प्रवक्ता वंदना जी ने पूछा, मैं वंदना जी को बता दूं कि हुड्डा साहब से भी सीनियर यहाँ जो कुमारी शैलजा जी बैठी हैं, उनकी राजनीतिक जीवन की यात्रा देख लें, वो काबिल हैं, वो अपनी पोस्ट को निभा रही हैं, और हुड्डा साहब को जो पोस्ट दी गई है पार्टी शीर्ष नेताओं की तरफ से, वो अपना दायित्व निभा रहे हैं, दोनों अपनी अपनी जगह। चलिए संजीव जी, ने अपना बचाव कर लिया, घर जाके सुनना नहीं पड़ेगा, अभी तक तो हुड्डा जी को मास लीडर बुला रहे थे, घर जाके शैलजा जी को सुनना नहीं पड़ेगा, अपना बचाव कर लिया। देखिए देखिए वंदना जी, मैं आपकी बारी में बिल्कुल संजीव जी बात पूरी करेगा, बात पूरी करेगा, संजीव जी बात आप पूरी करेंगे, मर्यादाओं में रहकर अपनी डिबेट करता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ जो जो जिस जिस पोस्ट पे जो जो जिसको जिम्मेवारी कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने दी है वो अपनी बेखूबी निभा रहा है और उनमें काबिलियत है, ऐसा नहीं। संजीव जी, संदीप जी को मैं इस डिबेट में बीच में शामिल करना चाहूंगा, क्योंकि आपने संदीप जी को लेकर ये कहा, संदीप जी की पार्टी इनेलो को लेकर ये कहा कि इनेलो को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। संदीप जी देखिए मिश्रा जी, शायद कांग्रेस पार्टी 1987 का वक्त भूल गई जब इनके चार विधायक रह गए थे, और उस समय हमारी पार्टी 85 सीटों के साथ प्रदेश के अंदर रूलिंग में थी, सीटों के आना जाना चला रहता है। और रही बात हमारी, तो पार्टी में आज एक फूट छोटी हुई थी, आपकी कांग्रेस पार्टी तो हमेशा ही फूट का ही एक अड्डा रहा है, हमेशा फूटती रही है जब भी कोई पार्टी, आपने केवल आज के दिन भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ाई जो लड़नी चाहिए थी आप उस लड़ाई को नहीं लड़ पा रहे, क्योंकि आपकी सीमाएं भारतीय जनता पार्टी ने बांध कर रख रखी है। आपके नेता अपने सीबीआई के मुकदमों के डर के मारे किसानों के हकों की लड़ाई को लड़ने के लिए फ्रंट फुट पर आगे नहीं आ रहे, बैक फुट पर वो कांग्रेस बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, और कांग्रेस के अंदर ही झगड़ा बढ़ाकर इस मुद्दे से ध्यान भटकाकर ही कांग्रेस पार्टी की तरफ शिफ्ट करना चाहते हैं, और क्योंकि आप एक अलग पार्टी बनाकर आने वाले। लेकिन संदीप जी बीजेपी तो ये साफ तौर पर कह रही है कि इस आंदोलन के पीछे कांग्रेस का हाथ बहुत मजबूत तरीके से है। मिश्रा जी, हो सकता है कि कांग्रेस का हाथ सेंट्रल लीडरशिप का है या स्टेट लीडरशिप का, ये प्रदेश की जनता जानती है। हो सकता है सेंट्रल लीडरशिप का आरोप भारतीय जनता पार्टी लगाती हो, लेकिन प्रदेश की लीडरशिप में मैं स्पष्ट कह सकता हूँ कि एक भी विधायक का कोई काम, चाहे इनका वहां पर किसानों के लिए कोई व्यवस्था कराने का हो, कूलर लगवाने का हो, मेडिकल फैसिलिटी देने का हो, हॉस्पिटल खुलवाने का, उनको किसी भी प्रकार की सुविधा देने का बात की हो, एक भी विधायक अपने आप छाती ठोक कर बता दे कि हमने किसानों के लिए ये किया। ये केवल बैठ के डरे हुए बैठे भारतीय जनता पार्टी से, और ये केंद्र की हो सकती मदद की हो, इनको उठानी तो चाहिए थी किसानों की आवाज, परंतु उठा किसकी आवाज रहे, खुद की, क्योंकि इनकी राजनीतिक जमीन जो है वो एक हाशिए पर आ चुकी है। आप देखिए पिछले कई सालों से सेंट्रल लीडरशिप ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उसके परिवार के सदस्यों को कंसिडरेशन में नहीं लेना,
उन्होंने काफी दिनों से उनकी बातों को अनसुना कर रखा है, वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, परंतु होता क्या उनके साथ, जिन विधायकों के दम पर वो सेंटर पे अपनी लीडर पहुंच जमाते हैं उनमें से काफी विधायक सड़क जाते हैं, खिसक जाते हैं, लास्ट में उठा साहब फिर हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, उनको जब लगता है कि अब तो दो चार ही साथ रह गए तब वो स्टेट सेंटर की लीडरशिप के आगे, सोनिया माता के आगे हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। मैं तो फिर दोहराना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कई ऐसे लोग हैं जो शायद इंतजार कर रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बार यहाँ से चला जाए तो शायद राव वीरेंद्र सिंह, धर्मवीर सिंह, चौधरी वीरेंद्र सिंह और अन्य ऐसे नेता जो हुड्डा साहब की वजह से कांग्रेस छोड़ के गए थे तो वापिस शायद कांग्रेस में जान आ जाए, क्योंकि जब तक हुड्डा साहब संजीव जी ऐसा कुछ है क्या, कांग्रेस एक बेजान प्राणी की तरह रहेगी ऐसी, संजीव जी ऐसा कुछ है क्या जो संदीप जी कह रहे हैं? संदीप जी की पूरी बात नहीं सुनाई दी, लेकिन जितनी सुनाई दी उसके बारे में मैं अपने प्रवक्ता को, मुझे आज सच्ची मायनों में मैं इस डिबेट में बैठने से पहले बहुत सहज हूँ, क्योंकि ये डिबेट का जो विषय है वो विषय नहीं है, जनता के जो आज विषय हैं उनसे हम भटक रहे हैं। मेरे भाई गोयत जी भी जो बात कर रहे हैं, संजीव जी, मैंने इनको जो सलाह के विषय को भी हम पूरी जिम्मेदारी के साथ उठाते हैं, मैंने जो सलाह इनको दी है हाँ। वो इसलिए दी है कि ये जो बात कर रहे हैं यहाँ कांग्रेस पार्टी के मिलने में जाने में ये वो, मैंने इनको कहा कि पहले आप पूर्णतः अपने घर को संभाल लें, पार्टी की बात दूसरी है, दूसरे की बात करने से पहले सोच लें कि हमारे घर को संभाल लेने बीच में गोयल जी मैं आपकी बात पे बीच में नहीं बोलता, आप बोलने में चुप हो जाता हूँ। संदीप जी सुन लेते हैं, चुप हो जाता हूँ मैं बीच में, ना तो किसी के बोलता और ना जो कोई मेरे बीच में बोलेगा, बीच में कोई नहीं बोल रहा है। अब गोयल जी मैं आपको बताऊं, आज हमारा मुख्य जो विषय है या मुख्य जो लड़ाई है इस बात की नहीं कि कोई कांग्रेसी नेता अपने शीर्ष नेता से मिलने गए हैं तो उसमें एक हंगामा हो गया। 7 साल से कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं है, आज भी हमें बड़ी खुशी की बात है कि आज भी कांग्रेस पार्टी का जिक्र आप थोड़ी थोड़ी बात में लेकर बैठते हैं, ये तो हमारी जीत महसूस हो रही है हमें। ऐसा नहीं, आप लोगों को ये चाहिए, हमें भी और आप लोगों को भी ये चाहिए, सत्तारूढ़ दल जो महंगाई रोज बढ़ा रही है उसके लिए एजिटेशन करें, ना कि कोई किसी से मिल रहा है तो उस पर ही एक डिबेट करते हैं रोज ही। बीजेपी के हर जो राज्य हैं, हर एक राज्य का कोई ना कोई नेता अपने शीर्ष नेताओं से मिलने जाता है। कांग्रेस के किसी नेता ने टीवी चैनल पे आके ये बोला है भाई ये क्यों मिला है? ठीक है भाई मिल लिया, एक बात होती नहीं उस बात का, या तो कोई आधार हो। संजू जी मुलाकातें जब सीधा जन सरोकार से मिलती हैं, मुलाकातों का सीधा मतलब जन सरोकार से होता है तो सवाल लाजमी हो जाता है सर, क्योंकि 31 विधायक यानी कि कितना शानदार जनाधार कांग्रेस पार्टी को हरियाणा की जनता ने दिया, उम्मीदें जरूर होंगी उन तमाम आपके वोटरों को, उम्मीदें जरूर होंगी प्रदेश के उन तमाम लोगों को जो आपकी तरफ विश्वास के साथ देखते हैं। अगर वो ये तस्वीरें देखेंगे कि 20 लोग यहाँ मुलाकात कर रहे हैं, 9 लोग उधर मुलाकात कर रहे हैं, कोई वहां उनके साथ मिल रहा है, कोई उनसे पहले ही जाकर बाजी मार लेता है। जवाब दूंगा इसका, एक मिनट जवाब दूंगा वैभव जी, संगठन की कार्रवाई चल रही है, संगठन बन रहा है, तो अपने अपने विचार संगठन में रखने के लिए लोग टाइम ले रहे हैं शीर्ष नेताओं से मिल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इसको हटा दो, इसको रख लो, उसको रख लो, ये इसका बेस कहां है? छोटा सा सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगा, जब अशोक तंवर को लेकर किस तरह से अंदर खाने स्थितियां थी चुनाव से पहले, सब लोग कह रहे थे ऑल इज वेल, कांग्रेस के खेमे से किसी की भी आवाज नहीं निकल रही थी कि सब कुछ ठीक नहीं अंदर खाने, उसके बाद जब अशोक तंवर 10 जनपद में जाकर वहां पर प्रदर्शन करते हैं और जब खुलासे करते हैं, जब वो कहते हैं कि उनके साथ किस तरह से उनका पद छीना गया और राजनीति की भेंट वो चढ़ गए, कुछ ऐसी स्थितियां तो नहीं होने वाली है? वैभव जी, अशोक तंवर जी का जो टाइम था वो 3 साल था, मतलब एज अध्यक्ष, और वो आप 5 साल 7 महीने उनको रखा गया, वो समय से पहले कभी नहीं हटाए गए, लेकिन कई बार परिस्थितियां आपस में इन बिटवीन ऐसी होती हैं कि मीडिया में उसका गलत मतलब निकाल लिया जाता है। अशोक तंवर जी ने अपने वक्त से ज्यादा
फिर शिकायतें क्या थी अशोक तंवर जी को, सवाल लेंगे संजीव जी। वंदना जी आप कुछ कहना चाह रही थी? जी अभी यहाँ पे संजीव जी बोल रहे थे कि हमारा संगठन बन रहा है, उससे रिलेटेड जो है मुलाकातें हो रही हैं। बीवी बत्रा जी ने बाहर आकर क्या बयान दिया, उन्होंने जो पहली स्टेटमेंट दी थी उन्होंने कहा था संगठन में बदलाव हमारा मुद्दा है, मतलब जो अभी संगठन बना ही नहीं तो उसमें बदलाव कैसे हो सकता है, यानी कि जो बन चुका है उसी में बदलाव है। और क्या बन चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष बन चुकी है, चलिए इसको भी मान लेते हैं। उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि अगर संगठन में कुछ भी, अगर संगठन में जो बनाए जाते हैं तो भी उसको एमएलए को कॉन्फिडेंस में लिया जाए, यानी कि अगर हरियाणा के विधायकों को उठकर दिल्ली में जाना पड़ता है, पहले प्रभारी से मिलते हैं फिर किसी वेणुगोपालन से मिलते हैं और जाकर बोलते हैं कि हमसे नहीं पूछा कारा संगठन में बनाने से पहले, तो सब कुछ गलत ही। आप भी कोशिश कर लीजिए, हो सकता है आपको चर्चा में जीत दिखाई दे रही हो तो इस जीत में आप खुश रहिए, इसके अलावा आपकी जीत आपको मिलने वाली नहीं है। आप या तो आपको सिर्फ प्रोटोकॉल की चर्चा में जीत दिखाई देती होगी आपको, मुझे ऐसा लगता है इसके अलावा आपको और जीत की आवश्यकता भी नहीं है, तो आप उसको कंटिन्यू रखिए, उससे फर्क नहीं पड़ता। हमें जनता को देखना है, जनता को देखेंगे जरूर, लेकिन विपक्षी दल के तौर पर हम चाहते थे कि कहीं ना कहीं एक सिंसियर एक विपक्षी दल हमारे सामने होता, लेकिन उनको आपस में लड़ने से फुर्सत नहीं है। हम जनता का ख्याल अपने आप रखने वाले हैं और बहुत अच्छे से रख रहे हैं, आगे भी रखते रहेंगे। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है, जनता का ख्याल वंदना जी ने कहा बहुत अच्छे से रख रहे हैं, क्या लगता है आपको? उससे पूछ रहे हैं? हाँ हाँ, आप ही से जी। अच्छा, संगठन में बदलाव क्यों का, ये भी बताइए मुझे, संगठन में बदलाव क्यों का, इसका जवाब दीजिएगा संजीव जी, घुमाइएगा नहीं, संगठन में बदलाव हमारा मुद्दा है। दोनों सवाल ले लीजिए संजीव जी, संगठन में बदलाव का भी और पहला सवाल भी जवाब दे दीजिए। वैभव जी, संगठन में बदलाव कौन कर रहा है, संगठन बन रहा है। मैंने ये बोला कि हमारी अध्यक्षा जी कुमारी शैलजा जी ने जो शीर्ष नेताओं से मिलके साथ जो संगठन बनाया है, तो हमारी कांग्रेस की हमेशा परंपरा रही है कि वो सभी के विचारों का सम्मान करती है, जो जो प्रदेश के नेता हैं उन सबको टाइम टाइम पे बुलाया जा रहा है, टाइम टाइम पे उनके विचार लिए जा रहे हैं। अगर वो प्रक्रिया में कोई मिल रहा है तो ये विषय डिबेट नहीं, 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 घुमा गए, बहुत अच्छे से घुमा गए। प्रभारी जी से मिलकर रह जाते तो बहुत अच्छा, लेकिन केसी वेणुगोपालन से मिल रहे हैं आप, राहुल गांधी से भी समय मांगा। अगर आपको हरियाणा प्रदेश को संगठन बनाने के लिए विधायकों को मिलने की आवश्यकता है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ तो आई, और संगठन में बदलाव हमारा मुद्दा है, संगठन में बदलाव हमारा मुद्दा है, संगठन तो बना ही नहीं आपका, क्या मतलब? वंदना जी आप मेरी बात पूरी सुन लें फिर अपनी बारी में बोल लें प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ कि संगठन में बदलाव किसने बोल दिया, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप किस तरह से कह रही हैं, किस नेता ने कांग्रेसी ने कह दिया कि संगठन में बदलाव के लिए हम मिल रहे हैं, आप बता दें। दो ढाई साल बीवी बत्रा जी ने कहा, बीवी बत्रा जी ने कहा आज किस, एक मिनट, दो ढाई साल हो चुके एमएलए के इलेक्शन हुए, अगर कोई व्यक्ति अपने शीर्ष नेताओं से टाइम लेके मिलता है तो उसमें बुराई क्या है? संजीव जी, बीबी बत्रा जी का जो बयान था, बीबी बत्रा जी ने जो कहा संगठन में बदलाव को लेकर, उससे आप क्यों बच रहे हैं? बुराई नहीं है, कितना आपको हरा हरा ही दिखाई दे रहा है, अगर मिलता तो उसमें बुराई क्या है? अरे आप लगातार मिल रहे हैं और आप सिर्फ कवर करते हैं, सड़क पर आप आकर लड़ाई लड़ते हैं और उसके बाद कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी जनता के साथ है, सड़कों पे खड़ी है और आपको किसी तरह का उत्पीड़न। अरे कांग्रेस पार्टी काफी देर से वो इंतजार कर रहे थे। संजीव जी आपके पास आऊंगा, संदीप जी आप अपनी बात रखिएगा। संजीव जी
उस परिवार संदीप जी आऊंगा आपके पास, संदीप जी आप अपनी बात पूरी करेगा। प्राइवेट लिमिटेड में आपको घर हो सकता है, देश को घर नहीं है। हमें अपने लोकतांत्रिक नहीं करते हैं वंदना जी, हमें गर्व है और हम शान से कहते हैं जो कुर्बानी आपको गर्व है। वंदना जी संदीप जी को सुन लेते हैं। संजीव जी संदीप जी आप अपनी बात रखिएगा, परिवार ने संदीप जी आप अपनी बात रखिएगा। परिवार अपनी पार्टी का ऐसा लाए जिसने अपने प्राणों की आहुति देश के लिए, संजीव जी संदीप जी को तो सुन लीजिएगा पहले, वो क्या कहना चाह रहे थे इतनी देर से शांत बैठे हैं। वंदना जी संदीप जी आप अपनी बात रखिएगा, संदीप जी आप अपनी बात रखिएगा। जी आप लोग झगड़ा ही करते रहेंगे, किसी को कोई बात ही नहीं समझ में आई। संजीव जी चलिए, वक्त का थोड़ा सा अभाव है। संदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए, जुड़ने के लिए। वंदना जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, संजीव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। जिस तरह से कांग्रेस के अंदर, हरियाणा कांग्रेस के अंदर अब लगातार दिल्ली का दौरा चल रहा है, तमाम कांग्रेसी नेता दिल्ली का रुख कर रहे हैं, केसी वेणुगोपाल से मुलाकातें हो रही हैं, ये मुलाकात जरूर कुछ कहती है। अंदर खाने एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द वापस लौटेंगे।